माइंड ब्लोइंग फिल्म्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ले आया है फिल्म हनीमून, जो इस दिवाली की एक पंजाबी फिल्म की रिलीज है और इसके लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं एंड आप भी एक्साइटेड होंगे आई एम श्योर। एंड वी हैव स्पेशल इंटरव्यू विद द स्टार कास्ट की पीजी एंड जैस्मिन जी। इट्स हार्ड टू गेट होल्ड ऑफ यू गाइस, यू मस्ट बी रियली बिजी प्रमोटिंग द फिल्म एट द मोमेंट, राइट? या हेलो एवरीबॉडी, पहला था सारे नु सत श्रीकाल। सत श्री अकाल सारे नु। ये सो बिल्कुल लुक, जी, ये फिल्म का ट्रेलर तो काफी एक्साइटमेंट पैदा कर चुका है, लेकिन टेल मी कि हाउ हाउ इज द प्रमोशन गोइंग फॉर दिस फिल्म? बिजी बिजी चल रहा है जी पूरा इस वक्त। तो बस शुरू किया है हमने, 2 दिन हो गए, तो 24/7 बस यही है। एंड वी आर सो एक्साइटेड, क्योंकि जब भी कोई फिल्म आती है और ऊपर से फिल्म अच्छी बनी हो, आर्टिस्ट का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और उसका प्रमोशन करने का जो रंग ढंग होते हैं वो बदल जाते हैं। सो फिलहाल हम भी पूरे जोश से लगे जोश। हुए हैं, क्योंकि फिल्म देखी है, वी आर सो हैप्पी। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और फेस्टिवल पे रिलीज है, फेस्टिवल जैसी फिल्म है, पूरी भरी हुई फिल्म है विद सो मेनी स्टार कास्ट, बड़ी स्टार कास्ट के साथ। फुल फैमिली एंटरटेनर, जिस तरीके का माहौल होता है दिवाली के टाइम, सब साथ में होते हैं, फैमिली वाले एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फिल्म है। एंड जब ये मैं ट्रेलर देख रहा था, एंड यू नो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारी ऑडियंस हिंदी है, लेकिन ये फिल्म सबको अपील करेगी क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में जो स्टोरी जो ट्रेलर में दिखाई गई है कि सबको पता चल जाएगा कि फिल्म में क्या हो रहा है, लेकिन उसका एक कॉमेडी एलिमेंट भी अच्छा है। जी, बिल्कुल। ये स्टोरी किसने कहाँ से आइडिया मिली स्टोरी की कि ये फिल्म जो टाइटल है हनीमून, एक यू नो एक सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई, तो ये कैसे बनी? ये आइडिया तो हमारे जो राइटर हैं नरेश कथुरिया जी, उन्हीं का आइडिया है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जेनुअली अभी भी इंडिया में बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं, नॉट ओनली इन पंजाब, बाकी स्टेट्स में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा नहीं पता है कि हनीमून क्या है या कैसे है। इवन बहुत मैं बोलूँ कि अगर जिस जिस गांव से मैं आया हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं, दे डोंट नो अबाउट हनीमून। शादी होती है, लोग मतलब एक दिन का गए, हैप्पीनेस आई, शोर शराबा हुआ और उसके बाद नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब उनको ये नहीं है कुछ के घूमने जाना है शादी के बाद, मतलब क्या घूमने जाना है, मतलब ये चीजें हैं नहीं। क्योंकि ये जो चीजें बाद में बनी है, ये अपने कल्चर में तो है नहीं था पहले, तो हमने अडॉप्ट की हुई चीजें हैं ये सब की सब। तो अभी लोगों को अवेयरनेस होने लगी है, अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है। सो ये एक इनोसेंट फैमिली है, तो जिसमें एक पढ़ा लिखा लड़का है जिसकी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाती है, वो आके बोलता है कि मैंने हनीमून पे जाना है। तो एवरीबॉडी इज लाइक कि ये क्या है, हनीमून क्या है? तो वो कहता है कि शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून बोलते हैं। तो उसका भाई और भाभी बोलते हैं कि हम भी कभी नहीं गए, चाचा चाची बोलते हैं हम भी नहीं गए, माँ बाप भी नहीं गए कभी। तो मतलब वो सोचते हैं कि चलो आप, हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा घूमने जाना भी होता है, कुछ हनीमून भी होता है, कि चलो अगर आप, ये बेटा जा ही रहा है तो इसके बहाने सभी चलते हैं ना, सबका ही हनीमून हो जाएगा। तो वो उस वे में चलते हैं। तो ये जो हमने ट्रेलर में भी दिखाया है कि ये दोनों उनको बताते नहीं है कि क्या है, वो कहते हैं कि चलो यार इनकी खुशी है कि खुश है खुश है। इनको भी ले जा चलते हैं। तो अब आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो ह्यूमर निकल के आता है, ये कंटेंट ही कैसा है। तो बट हमने, क्योंकि जब भी हम पंजाबी फिल्म बनाते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है फैमिलीज, क्योंकि हम फैमिली ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो हमें वो बहुत देखना पड़ता है कि कोई चीज ऐसी ना हो जाए जो फैमिली ऑडियंस को बुरी लग जाए या कुछ भी ऐसा हो। सो वो बिल्कुल हमने उस दायरे में रह के ये फिल्म बनाई है। बट मुझे लगता है कि ये हमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म होगी पंजाबी में, तो बहुत ह्यूमर है, बहुत कॉमेडी है और सबको वेल आई एम अच्छा लगेगा श्योर। उसमें। एंड जैसे कि दिवाली की रिलीज है, तो दिवाली के दौरान थोड़ी हंसी हंसी खुशी होनी चाहिए, फैमिली के साथ मिलते हैं, तो एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली ये फिल्म ले आए हैं, माइंड ब्लोइंग फिल्म। सो थैंक यू, आपने इतनी बातें कही। जैस्मिन जी, आप ने इस फिल्म में काम किया है, इसके फिल्म के डायरेक्टर और साथ ही में गिप्पी ग्रेवाल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। ही वॉज सो सपोर्टिंग, सो ग्राउंडेड, यू नो, वेरी वेरी मोटिवेटिंग। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर सही, सो हम्बल, सो स्वीट। उन्होंने इतने प्यार से अच्छे माहौल में काम करवाया, मतलब
इट वॉज वी नेवर हैड अ डल डे ऑन सेट, एवरी डे वॉज ब्राइट एंड पॉजिटिव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस. हम एक्साइटेड होते थे जाके शूट करने के लिए क्योंकि हम बहुत एंजॉय करते थे. इंडीड, एंड दिवाली सबके लिए स्पेशल होती है, लेकिन आप दोनों थोड़ी थोड़ी बातें शेयर कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे मेमोरेबल दिवाली कैसी और कहाँ रही? सर मेरा तो बहुत फेवरेट फेस्टिवल रहा है दिवाली, बहुत ही ज्यादा. मैं सच बताऊं तो जब मैं छोटा था, जब दिवाली आनी होती थी ना, मुझे तो 1 महीना पहले नींद आनी बंद हो जाती थी कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, मैं पटाखे चलाऊंगा. मतलब मुझे पटाखे चलाने का बहुत मतलब ऐसे होता था कि वो फेस्टिवल, मतलब कभी कभी तो मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि जो लोग है ना, जो एक पंजाबी में कहते हैं चा, जो एक हमें खुशी होती थी ना कि यार वो चीज है, आज की डेट में लोगों का वो खत्म हो गया है. मतलब लोग कोई चीज नहीं लेके आते हैं ना. मतलब मैंने स्कूटर लिया, मैंने साइकिल लिया था, मुझे 2 महीने नींद नहीं आई कि यार मेरे पास साइकिल है, स्कूटर लिया, आई एम सो हैप्पी. कि मैं खुशी, मतलब आपको अगर कोई चीज मिलती है ना तो उसकी खुशी आपको मतलब होनी चाहिए. अगर आपको उसकी उसका चाह ही नहीं है, उसकी हैप्पीनेस नहीं है, उसको आप फील ही नहीं करते उस चीज को, उसका क्या फायदा. आज की डेट में लोग इतने बिजी हैं, मतलब दिवाली है वो गुरुद्वारा मंदिर कहीं पे जाएंगे तो वो ये सोच के जाते हैं कि ये एक ड्यूटी है, ये एक जॉब है कि हमने मत्था टेकना है, वो एक कैंडल जलानी है, दैट इज अ जॉब, उसका कोई फायदा नहीं है. सो मतलब बच्चे जो आज की डेट में सेलिब्रेट करते थे वो बच्चे करते थे, अब तो बच्चे भी बहुत डिजिटल हो गए हैं, वो भी फोनों पे बैठे रहते हैं सारे टाइम, वो चीज गड़बड़ हो गई है. तो मैं तो बहुत बहुत एंजॉय करता था दिवाली. टच वर्ड, मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है, एंड आई एम सो एक्साइटेड के दिवाली पे ये फिल्म आ रही है. और जैस्मिन जी, आपके लिए? मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ कोटा में. तो हमारे घर हर फेस्टिवल बहुत ही कमाल का बनाया जाता था, पूरे घर में दिए लगाना. मेरा चाचा पूरी जो गली होती है ना, हाँ पूरी गली में लड़ियां लगाता था. मतलब इट यूज टू बी एन इवेंट जो पूरा शहर देखने आता था. तो आई एम रेज्ड इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहाँ हम हर फेस्टिवल बहुत बड़ा, मतलब छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत बड़ा बना हाँ देते थे. इंडीड, तो आपकी ये फिल्म भी लोगों के जीवन में खुशी लाएगी. वी विश यू ऑल द बेस्ट, द क्रू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रमोशन एंड द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. एंड आई एम श्योर कि हमारे पंजाबी ऑडियंस न्यूजीलैंड में इसको डेफिनेटली एंजॉय करेंगे अपने वाइड ऑडियंसेस के साथ. तो जाने से पहले एक खास पंजाबी में मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देखना चाहेंगे, देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल. सारे नु न्यूजीलैंड वाले नु रिक्वेस्ट है जी, अपनी फैमिलियां दे नाल जाके देखियो जी साडी फिल्म. 25 अक्टूबर नु रिलीज हो रही है जी, हनीमून. बहुत एफर्ट की है टीम ने, बहुत मेहनत की है. एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है जी, तो रज के हसावांगे, बट बेतुकी कॉमेडी नहीं है. चंगी गल्ला भी तो मिल गई फिल्म दे विच. उम्मीद है कि तुसी मेनू ते जैसमिन नु प्यार दोगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच.